बारडोली सत्याग्रह। बारडोली गुजरात के रियासत में पड़ने वाले एक तालुके का नाम है। वहां 1928 में एक पुरअमन किसानों की तहरीक चलाई गई। हुआ यूं कि 1925 में बारडोली का वो इलाका जो है कहर और सैलाब का शिकार हुआ। किसानों की तैयारशुदा फसलें तबाह हो गई, उनकी मौशी हालत बदतरीन हो गई और ऐसी संगीन हालत में जबकि उन्हें हमदर्दी और मदद की सख्त जरूरत थी, बरतानिया हुकूमत ने या यूं कह सकते हो कि बंबई प्रेसिडेंसी जिसके तहत वो पड़ता था 30% टैक्स में मजीद इजाफा कर दिया गया। एक तो माशी तौर पर उनकी हालत पहले से ही बदतरीन थी और अब 30% लगान में इजाफा वो नाकाबिले बर्दाश्त, वो उसे अदा करने की हालत में नहीं थे। लिहाजा किसानों ने इसके खिलाफ जो है तहरीक शुरू कर दी। इलाकाई रहनुमाओं के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी सियासी शख्सियत ने इस तहरीक को अपनी रहनुमाई बख्शी। किसानों ने किसी भी तरह से टैक्स देने से इनकार कर दिया। नतीजा यह निकला कि बौखलाई हुई बरतानवी सरकार ने किसानों की जमीनें जब्त कर ली। लेकिन फिर भी वल्लभ भाई पटेल के मशवरे के तहत किसान जो है पुरअमन तहरीक पर डटे रहे, अपने एहतजाज को जारी रखा और तहरीक में इतनी शिद्दत थी कि जब्त शुदा जमीन की खरीदारी वाला कोई न मिला। आखिर में सरकार को रवैये में तब्दीली लाना पड़ा, उसने जमीन वापस की। साथ ही साथ जो लगान का जो सरह थी उसमें भी कमी लाई गई। तो ये एक पुरअमन तहरीक की कामयाबी थी और वल्लभ भाई पटेल का सेहरा इसके सर जाता है। तो इसी तहरीक के दौरान मुझे जो है सरदार का खिताब दिया गया। हालांकि इस तहरीक से जो आला तबके के लोग थे और जो मध्यवस्त तबके के किसान थे उनको ही ज़्यादा फायदा पहुंचा। जो किसान मजदूर गरीब थे जिनकी बराए नाम ज़मीनें थी उनको कुछ खास फायदा नहीं पहुंचा। फिर भी इस तहरीक की कामयाबी को तो सराहा जाना चाहिए क्योंकि एक पुरअमन तरीके से गांधी जी के उसूल पर चलते हुए सरदार वल्लभ पटेल के मशवरे पर किसानों ने एहतजाज किया और कामयाब भी हुए। और उसके बाद जो तहरीकें चली सूल नाफरमान तहरीक वगैरह ये उसकी पेशकेमा बनी।